कोई है सर? और जो जो कर्नाटक की नींव है हमारे किसान भाई, नम कर्नाटक दा बेन्बोनो नम बेन्मु मूले आगिरुवंत नम रैतरु यारिद्दारे उनके लिए कृषि निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए हर साल उनके भले के लिए। ये फैन क्लब कौन है? ठीक है अगाड़ी वाले हैं, और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ। राम राज्य में रावण आ चुका है, पर ये वो रावण है जिसका भाई कोई विभीषण नहीं है। जय भीम। तो दीदी आपको एक बात बता दूं, इस रावण का कोई विभीषण भाई बनेगा भी नहीं, क्योंकि रावण बहुत बलशाली, महापराक्रमी, बहुत ज्ञानी और अपने धर्म के लिए कट्टर था। और ये रावण तो मुगले के औलादों का तलवे चाट रहा है। और दूसरी बात, ऐसे रावण को हर साल हम ना दशहरे में जला देते हैं, राख में मिला देते हैं, ऐसे फूंक देते हैं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की। मुझे आपसे टीआरपी चाहिए। टीआरपी चाहिए मेरे से? बिग बॉस वालों की तरह? हाँ, जितने लल्ली शल्ली सब ए टू जेड सबको आपने टीआरपी दिए, इधर भी देखे जाओ। क्या बेहू सिस्टम, ये देख ब्लू राटी की नई वीडियो वापिस आ गई, अब काय का करना बंद कर। उम्मीद करता हूँ ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भरा हो काउंटर से तो मुझे बता दियो। पर्सनल अटैक, बच्चों वाली बातें कर रखी होंगी तो अलग बात है, पर इस बार मैं तेरा ऐसा निचोड़ कर दूंगा, तीसरी वीडियो बनाने लायक निचोड़ेंगे भाई। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगंडा फैलाओ, प्रोपोगंडा फैलाओ। प्रोपोगंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगंडा होता है। है नहीं? हाँ। इंग्लिश में दो शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा प्रोनाउंसिएशन ये कॉमन एरर है, उच्चारण को अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन। इसमें नन आता है, नाउन नहीं, लोग इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, विच इज रॉन्ग, वो गलत है। देखिए दोस्तों, ये जो एल्विश यादव मेरे ऊपर घिनौना इल्जाम लगा रहा है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, ये एक रची गई साजिश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है और अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे अच्छे नेता हैं, और मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बातों में कोई सेंस नहीं है दोस्तों, लेकिन टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहा हूँ हमेशा की तरह। क्या है ना, कैरोलिना गोस्वामी की तरह आम आदमी पार्टी के बंदे भेज के एल्विश को मार भी नहीं सकता मैं, क्योंकि वो खुद पिट के आ जाएंगे। इससे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर, या वो भी पीएम मोदी के चरणों में आपृत कर डाली? चरणों में आपृत कर डाली। सास बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और मैनू पूरी उम्मीद है कि 1936 का ओलंपिक का जिहड़ी सानू मेजबानी भी मिलेगी और प्रधानमंत्री भी अरविंद केजरीवाल जी होंगे, मैनू पूरी उम्मीद है। इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में भेजेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज ब्रेन्स है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से LLB किया आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहाँ आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? फिर यहाँ खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? और ये PIL डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है, इसके अंदर प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है, हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी, ये बस मुंह उठा के PIL डाल दी। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास पेश करने के लिए? सर मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता एविडेंस जमा करने को। अरे तो एविडेंस इकट्ठा पहले करना चाहिए था ना आपको,
यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? सॉरी सर जी. स्किलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर 4.1 करोड़ यूथ ओवर अ 5-year पीरियड. ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी. हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी. आप सोचिए, केवल हलाल खाने वाले, लिपस्टिक भी जिनको हलाल चाहिए, मसाले भी जिनको हलाल चाहिए, पानी जो पीने का होता है वो भी जिनको हलाल चाहिए, ये भी छोड़िए, रहने के लिए जो सोसाइटीज होती हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो भी जिनको हलाल चाहिए, वे इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं. जैसे ISIS की लौंडिया जुबैर को देख सकते हैं, मतलब कैसे छटपटा रहा है. ऐसे लग रहा है जैसे अजीत भारती ने इसे अकेले में कहीं पकड़ लिया हो और अब इसके पास भगने की भी जगह नहीं है. यही सिंपल से नॉर्मल से निर्णय को डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन बता रहा है. मतलब जिसकी किताब रिलीजन के बेस पे काफिरों को जिंदा रहने का अधिकार तक नहीं देती, वो लहन का बोला डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन ना ही बोले तो बेहतर है भाई. सरकार की नहीं बचा पा रही सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही. सोचिए. आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि जाना है और फिर उठना है असर के मैदान में, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे, उस्मान ज़ुल्नूरैन होंगे, शेर खुदा हजरत अली करम अल्लाह वजह होंगे, इमाम हसन और हुसैन होंगे, शहजादी जन्नत होंगे, उम्मत की माए होंगी, सहाबा इकराम होंगे, ओवैसे खरनी होंगे, जुनैद बगदादी होंगे, हसन बसरी होंगे, राबिया बसरी होंगे, खाजा हिंदल वली होंगे, तुम क्या जवाब दोगे? ये दिन आएगा, याद रखो. 400 सीट जीतेंगे, 370 बीजेपी जीतेगी और बाकी उनके अलायंस पार्टनर्स जीतेंगे, है ना? तो हमारा भी अगर उनको नई सीट मिली है ना, हम उनका मजाक बना रहे हैं, ना मखौल बना रहे हैं, ना हम आपसे प्रश्न उठा रहे हैं कि आप लोगों ने सबने डिसाइड कर लिया था उनको 400 सीट मिलने वाली है. मैं विपक्ष से भी नहीं पूछ रही हूँ, ना मैं मीडिया से पूछ रही हूँ. मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ. Yeah.